हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग में हम आपको लेके चलते हैं अपने खेतों पर। तो खेतों पर दिखाते हैं गाइस, हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं उस खेती से जिसकी आपने पिछले ब्लॉग देखे थे गाइस। उसमें पायल वायल सब कुछ कर दिए हमने। और गाइस, दूसरी खेती पर लेके चलेंगे, वो भी हमें दिखाते हैं आपको कितनी क्या रहेगी काटने के लिए, वो भी उसमें भी धान है गाइस। और तीसरी जगह वहाँ पर चलेंगे पुल पर गाइस, तो पुल पर आपको दिखाएंगे कितना क्या पुल बन चुका है और कितना बाकी रह गया है, और वहाँ पर कितना क्या मटेरियल आ चुका है पहले से ज़्यादा गाइस। तो उतना सोचा नहीं था इतना बड़ा बनेगा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है गाइस, तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते होगे कि मैं खेतों पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो कि खेतों में पायल वगैरह सब कुछ कर दिया हमने। तो गाइस, अब इसमें तो इस खेती से तो हम फ्री हो चुके होंगे, अब आपको दिखाते हैं कि और भी हमारे कितने खेत हैं और उनमें क्या क्या खड़ा है। तो इसमें पायल वाले कर दिएंगे आज, और कुछ वहाँ पर तार वार भी लगाया था, वो भी आपको दिखाएंगे कि मतलब पूरी रास्ता भी बंद कर दिए ट्रैक्टर वैक्टर की। सो गाइस, ये भी देख सकते हो कि सारे कोने हमने जो घोड़े थे, तो ये भी सब कुछ घोड़ने के बाद ये खेती से हम हो चुके बिल्कुल फ्री। और गाइस, वहाँ पर और चलेंगे, जो कि आपको हमने पहले जब वहाँ पर पुल बताया था एक, तो उस पुल पर और चलेंगे गाइस, और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि वो पुल कितना बन चुका है अभी तक। तो गाइस, हम काफ़ी दिनों से वहाँ पर भी नहीं गए थे क्योंकि खेती से ही फ्री नहीं हो पा रहे थे गाइस। तो गाइस, ये है वो तार जो कि नीचे पड़ा था, यहाँ से भी तार वार लगा के और ये सारे चीज़ कंप्लीट करती है बिल्कुल। और आप लोग आके भी देख सकते हो कि गाइस, ऑटो और जो ट्रैक्टर वगैरह यहाँ से निकला था ना, ये भी रास्ता बंद कर दिया है पूरा। तो भी आप लोग देख सकते हो, ये खेती मतलब बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब। तो गाइस, अब आपको लेके चलते हैं हम नेक्स्ट जगह, जो कि अपनी दूसरी वाली खेती पर। मम्मी जा, मैं तो खूब उठिया। देखो मम्मी ने एक घंटा में तो काट दो सबरो खेत, पूरा खेत काट दो मम्मी ना खेल। ये देखिए गाइस, ये देख सकते हो कि ये वाली खेती और पिटेगी पूरी, इतनी जो रह गई है वो, उससे तो फ्री हो गए बिल्कुल। अब ये और रह गई है, इससे भी एक दो दिन में फ्री हो जाएंगे। तो गाइस, ये खेती आप लोगों ने देख ली होगी, तो अब आप लेके चलते हैं वो पुल पर, जो कि वहाँ पर देख के आते हैं कितना क्या रह गया बनने के लिए भी, और कितना क्या बन चुका है, वो भी आपको सारी चीज़ दिखाते हैं गाइस। तो चलते हैं फिर पुल की तरफ। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं पुल पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर देखिए उस तरफ जो छोटा बम्बा है उस तरफ भी अलग से पुलिया बनाई जा रही है, और इधर भी। तो मतलब जो जो पार है होती है इनकी, वो बनाई जा रही है, दौला जिन्हें बोल सकते हो आप लोग। तो गाइस, जो बम्बा की जो पटरी है ना, ये पूरी मतलब नमी से भरी पड़ी हैगी। तो गाइस, जितने भी नीचे से खोदते हैं ना, वहाँ पानी निकल आता है, तो दीवार जो तर जाती हैगी, तो तरने की वजह से वो पलट जाती है गाइस। तो उस तरफ नेक ही जगह रह गई है ऊपर निकलने के लिए, अगर कोई भारी भरकम वजन का निकल गया वाहन तो वो पलट भी जाएगी। तो इस चक्कर में इसे रेप बना के छीला जा रहा है। तो इधर भी देख सकते हो गाइस, कितना मोटा मतलब जो कि दीवार बनाया जा रहा है, 6-7 इंच की चौड़ाई का जो कि पुल बन रहा है गाइस। और इधर देख सकते हो गाइस, कितनी जगह मतलब एक्स्ट्रा गिर पड़ी हैगी, तरी से गिर रही है ना गाइस। ये देखिए चारों तरफ ऐसी गिर चुकी हैगी, काफ़ी दूर दूर तक करारा पलट जाती है गाइस। और यहाँ से सीमेंट बन के यहाँ पर आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा सा काम और रह गया इसका लेंटर का, तो वो भी कुछ दिन में पट जाएगा। सो गाइस, अब आपको लेके चलते हैं मशीन के पास में, तो मशीन के पास में दिखाते हैं। ये देख सकते हो गाइस कि किस तरीके से मतलब जो खुदाई हो रही हैगी, और फिर भी बार बार पलट जाती है, तो मशीन फिर से उठा के मतलब फिर उठा देती है मिट्टी को। यहाँ पर नमी ज़्यादा है ना, पानी निकल आता है नीचे ज़मीन में, यहाँ पर देख सकते हो। अभी तो फिलहाल नहीं है, पर थोड़ी देर में आ जाएगा पानी यहाँ पर भी। देखिए गाइस, मशीन खोदकर अभी वापस गई थी, और देखिए फिर से यहाँ पर देखिए दरार बन गई है, और ये भी दरार पलटने वाली है गाइस। देखिए चौड़ी होती जा रही है। ये देखिए गाइस, अब मशीन को फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि या तो जैसे दबा दे यहीं की जहीं तो बच जाएगी, नहीं तो ये फिर से पलट जाएगी। तो गाइस, इन्होंने इतनी जगह कर दी, अजय फिर से यहीं से दरार बन जाएगी, और ये फिर पलटने के चांस रहेंगे इसमें। तो गाइस, ये था कुछ इस तरीके का व्यू पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से, सारा व्यू ये है कुछ यहाँ पर इस तरीके से। कुछ दिनों में यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगने लगेगा गाइस, जबकि यहाँ सारी जगह वैसी भर जाएंगी। और गाइस, पुल वुल जो बन जाएगा ना ऊपर से पट भी जाएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर निकलने में और बैठने में भी गाइस। तो वहाँ पर भी फिर आपको दिखाएंगे नेक्स्ट में,
तो वैसा भी आप लोग देख सकते हो कितना सारी मतलब मट्टी कस गई है अपने आप ही। बस कुछ इस तरीके से मतलब डबल मेहनत पड़ जाती है कि यहाँ पर। सो गाइस कुछ इस तरीके का व्यू था पूरा, वो हमने आपको दिखा दिया गाइस। और यहाँ पर देख सकते हो पिलर में देखिए कैसे आता और भी वो गिट्टी छोटी छोटी। सो गाइस हम पुल देख के जब वापस आ रहे थे तभी फ़ोन आया था, जो कि इस वाले फ़ोन पर। तो दीदी कह रही थी जो कि दादी हैं ना वो ख़त्म हो गई हैं, तो दादी हमारे मतलब खानदान में ही थी गाइस, तो वो आज ख़त्म हो गई हैं। तो दिखाते हैं आपको उनकी फ़ोटो वोटो एक दो मिलते हैं। तो और गाइस आज तो गाँव में निमंत्रण भी था, तो पता नहीं आज के दिन जाना था उन्हें। तो गाइस एक तो खुशी का दिन था और दूसरा गम। तो गाइस अगर खुशी 10 गुना होना तो अगर 2 गुना भी गम लग जाए तो आदमी को गम ज़्यादा लगता है गाइस, तो खुशी में उतना मतलब मज़ा नहीं है। सो गाइस चलते हैं घर पे और आपको दिखाते हैं कि मतलब जवान तो नहीं थी, बड़ी बूढ़ी थी, मरने लायक तो खैर थी, पर भाई मर गई तो गम तो फिर भी है ना। जो ब्याह में जो रोनचन होती वो कुछ भी नहीं होगी, ना तो बैग डिब्बा बजाएंगे ना कुछ भी, तो मतलब वो मज़ा नहीं रहेगा गाइस। चलो अब जो भगवान को अच्छा लगता है बस वही होता है गाइस। तो चलते हैं घर पे और आपको दिखाते हैं। सो गाइस दादी की मेरे पास कुछ पुराने वीडियो हैं तो वो आपको दिखाता हूँ मैं फिलहाल की, अभी की तो नहीं खींची है मैंने। ये क्लिप गाइस उस टाइम की है जब दीदी के ब्याह में दादी ढोलक बजा रही थी, ये उस टाइम की वीडियो है। तो लगभग 6 से 7 महीना पुरानी वीडियो है ये, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से थी और आज दुनिया को अलविदा कह गई, तो आज इस दुनिया में नहीं रही हैं। मतलब वीडियो में आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से थी, वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो गाइस दादी की क्लिप वगैरह तो मैंने अभी नाइट में कुछ भी नहीं ली थी, क्योंकि आज दो भीतर में लेटी हुई थी, कमरे में थी, सभी लोग वहीं पर भी थे और बाकी जो आदमी लोग बाहर बैठे थे मैंने आपके उनको फ़ोटो दिखाई थी आप लोगों को। तो गाइस जो दादी का अंतिम संस्कार होगा वो आज से शुरू से लेके लास्ट तक की पूरा वीडियो वो आपको अलग नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।